हमारा इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है, क्लास सेकंड चैप्टर का डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। एनिमल न्यूट्रिशन के का ही एक टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। द हर्बीवोरस एनिमल सच एज कैटल, काउ, बफेलो, गोट, शीप, डियर, जिराफ एक्सेट्रा, ये जो होते हैं ये मेनली क्या है, ग्रास लेते हैं, ग्रास खाते हैं। अदर प्लांट लीव्स एज अ फूड, फूड के तौर पे क्या मिलेगा इन सबको, ग्रास और अदर प्लांट लीव्स। तो ग्रास इज रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहेंगे, सेलुलोज। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट इज अ क्वाइट टफ मटेरियल, सो मेनी टाइम्स इट कैन चूड बाय एनिमल। तो इसलिए जो होता है एनिमल जो होता है इसे इजीली च्यू कर सकते हैं या बेटरली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। द सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट ओनली इन द स्टमक ऑफ एनिमल। सेलुलोज जो कि ग्रास में मिलता है, इस या जो कार्बोहाइड्रेट है ये जो ग्रास में मिल रहा है, ये एनिमल की बॉडी में कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से ही डाइजेस्ट हो पाता है, और इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। जो कैटल्स, काउ, बफेलो, गोट, शीप, डियर, जो जिराफ वगैरह हैं, ये क्या है, रूमिनेंट्स हैं। इसीलिए हर्बीवोरस एनिमल जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, इनका जो स्टमक होता है ये अडेप्टेबल होता है ग्रास और लीव्स को डाइजेस्ट करने के लिए ईजिली। आती है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। द स्टमक ऑफ अ काउ इज अ लार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ फोर कंपार्टमेंट। काउ का जो स्टमक होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और उसके अंदर चार कंपार्टमेंट होंगे। द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ काउ स्टमक इज बिगर एंड इट इज़ कॉल्ड रूमन। जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है काउ का वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसे हम रूमन कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि काउ जब घास वगैरह चर रही होती है या खा रही होती है तो वो क्या करती है, उस घास को टोटली च्यू नहीं करती है या पूरी तरीके से नहीं चबाती है। वो क्या करेगी, उसको सीधे स्वॉलो करके क्विकली क्विकली जल्दी जल्दी खाकर कहाँ पे कलेक्ट करती है, रूमन के अंदर जो उसका फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है। इस रूमन के अंदर क्या मिलेगा आपको, सेलुलोस या डाइजेस्टिव बैक्टीरिया मिलेंगे। ये बैक्टीरिया जो होंगे वो रूमन के अंदर काउ काउ के जो काउ के रूमन या रूमन वाले जो हिस्से में होगा वहाँ पे डाइजेस्टेड सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जो होगा जो घास के अंदर प्रेजेंट होगा वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होना या पार्शली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमन ऑफ काउ इज कॉल्ड कर्ड। आफ्टर सम टाइम जबकि काउ रेस्ट कर रही होगी तो वही कर्ड वापस उसके माउथ में ब्रॉडबैक होता है रूमन से इन अ स्मॉल स्मॉल पोर्शन, जिससे कि काउ फिर थर्ली चू करती है। द प्रोसेस बाय विच द कर्ड पार्शली डाइजेस्टिव फूड जो कि वापस बैक होकर स्टमक से वापस काउ के मुंह में आता है चूइंग करने का प्रोसेस, उसे हम क्या कहेंगे, रूमिनेशन। ऑल द एनिमल विच चू द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेंट। जो भी जितने भी एनिमल्स हैं जो कर्ड को चू करते हैं वो हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। जब ये कर्ड थर्ली चूड हो जाएगी माउथ के अंदर काउ के, इट इज स्वॉलन अगेन, बट ये जो चूड होगा फिर वो रूमन में वापस नहीं जाती है। ये जो थर्ली चूड जो कर्ड होगा ये फिर अदर कंपार्टमेंट में जाता है काउ के स्टमक के, और फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली जाके डाइजेस्ट या फिर एब्जॉर्ब बॉडी के अंदर हो जाता है।